मुझे वही अशरफ और आशु का सीन भी अच्छा लगा. एक एक लाइन यात्रा ने इतनी जमा के बिल्कुल सही तरीके से डिलीवर की है कि मजा. सीम अब्बास का बेटे को कहना कि यू नो पहले गिला करना साली से कि ये आदमी मुझे जगह जगह मात दे रहा है और मैं बहुत परेशान हूँ, एंड देन आस्किंग द सन फॉर द फर्स्ट टाइम टू अवेंज. आई थिंक दैट वाज आल्सो अ प्रीटी गुड सीन. मुझे वही अशरफ और आशु का सीन भी अच्छा लगा. परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी. यासरा रिज़वी की परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छी लगी. आई थिंक शी वाज स्पॉट ऑन. एक एक लाइन यासरा ने इतनी जमा के बिल्कुल सही तरीके से डिलीवर की है कि मजा. अच्छा, थोड़ा सा और शादी वाला है, शादी का डायरेक्ट नहीं करना चाहिए, कहती वो मैं आपको कीमत बता दूंगी, आप ये तो करें थोड़ा सा, तो उसको उत्तर से बाद मिला है, उसे डायरेक्ट कह दे शादी. उसको पता था ना कि ये यहाँ आएगा, उसने तो सब प्लान किया था, तो उसने आज के जिस दिन उसने आना था उसने ये कहना था. ये ठीक था, मैं भी ऐसे करती. हाँ ये सही था, क्योंकि उसने तो क्या कर रही है, सब कुछ तो इस तुम्हें इस जगह पे लाने के लिए किया था. और सबसे नेक्स्ट सीन में जिम खुल जाता है, उसने कहा एक मोहब्बत को पाने के लिए दूसरी को की याद को भूलना पड़ता है. सो मैंने डिसाइड कर लिया दैट ही सेड यस टू. सो आई थिंक इट वाज डेफिनेटली अ 1000. जबरदस्त. तो जी राइटिंग की तरफ चलते हैं. आई थिंक स्टोरी इज मूविंग. आई करती है वो हल्की सी दाढ़ी और वो सब चीजें, उसको कैरेक्टर ऐसा बनाना चाहिए था रादन के, वो बिल्कुल उसको सोनिया ने बता दी ना कि भाई जितने तुम्हें पसंद ही नहीं करती, वो तुम्हें तुम्हारी फीलिंग्स रखती है, तुम्हारी जेन्युइनली केयर करती है. उसका पोस्टर देख रही थी वो मुकरम, पोस्टर की बात है. और पोस्टर को उस पोस्टर के साथ नहीं, उस पोस्टर पे रुस्तम था ही नहीं. बट राइटिंग सिंपल सेम ठीक है. Is working for me, and the strangest thing is that this is the same writer as. तो फिर नाज़िया की बात मानी जाएगी. Writing एक जगह बहुत सही चली जाती है, एक जगह गलत हो जाती है. But it's slightly unbelievable कि यही writing जो यहाँ पे is making a lot of sense, वहाँ अब्दुल्लापुर में जा के इतने dramatic licenses का शिकार हो गई. So कहीं coordinations writer director की कम है, because ये team है. ये अगर team है तो फिर बहुत अच्छा काम होना चाहिए था. I think the scenes that Vaseem saab got, Ashraf aur Aashu ka scene, bahut acha likha hua tha, bahut acha kiya, bhabhi maze ki hain. It's working well for me. So how many numbers do you have for? Mujhe ye nahi samajh aaya ki jab wo hara hai Firoz, jis ek fight mein jisme usko nahi harna tha but haar gaya, usne kisko dekha tha aur dekh ke falter kiya tha, wo kabhi cut dikhaya nahi. But I think I'll take that in direction. I think as 7. Very good job. सीजन 5 में जहां बहुत कुछ है, वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है. अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और एक मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू. क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम में. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट में राइटिंग कैटेगरी में 12,100 हुए हैं और शाहिद डोगर के हिस्से में ड्रामा सिल अखाड़ा से आए हैं 968. जहाँ लड़कियां दोनों कुछ देख रही हैं और ये खड़ा है और उसने कहा कि पहली दफा स्माइल है, उसकी कटिंग और थी क्योंकि वो एंड हुआ और वो एकदम से गायब हो गया. अगले कट में वो दोनों खड़ी थी. नेल फाइलर लगाया था सर पे. Thing is, she's unfortunately trying to be too young, which she's not in. देखें ये अब आप age shaming ना करें. So I know why not. In our field, we have to play the ages we are. आप मुझे दिखा दें कि unless A level, O level की बच्ची इतना बड़ा clip लगा के. Sonia, मैं जानती हूँ. नहीं वो भी नहीं लगाते. Korea.
अचानक वो लड़का वहां से गायब हो गया और दोनों लड़कियां अकेली खड़ी थी, वो एक हवा में गायब हो गया. अगले कट में he was nowhere to be seen. वो पार्ट टाइम वाला दिन भी है. वो कब से कहाँ निकला, कब निकला. ये दोनों सीन्स, इफ द राइटिंग इज अ 7 फॉर मी, द डायरेक्शन इज अ 6. सीजन 5 में जहां बहुत कुछ है, वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है. अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और एक मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू. क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट में 11,900 हुए हैं और इनके हिस्से में आए हैं अंजुम शहजाद साहब के हिस्से में अखाड़ा साहब 1,071, 9% बनते हैं 0.9. ऑडियंस ने इन्हें राइटिंग ज्यादा नंबर दिए हैं. अब बात कर ली जाए, आई थिंक सारा असगर भी थी, हिना अफरीदी भी थी और सरा और सोनिया हुसैन भी, तो सरा को हमें रेट करना चाहिए. ओके, प्लीज. ठीक है. आई थिंक ब्रिलियंट. आई थिंक मैंने, आई हैव येट टू सी हर इन एनी ड्रामा जिसमें उसका एक रोल हो, आधा रोल हो, एक लाइन हो कि इस लड़की ने बुरी परफॉर्मेंस दी हो. कुछ भी हम अगर लेते हैं, इवन दोज फ्यू सीन्स इन इश्क मुर्शिद में जिसमें गायब हो गई है बेचारी, शी वॉज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. शी आई थिंक शी इज़ अ वेरी वेरी फाइन लिटिल एक्ट्रेस एंड आई थिंक आई होप शी गेट्स मोर रोल्स सो वी कैन सी हर मोर ऑन स्क्रीन. आई फील दैट शी इज़ कॉन्स्टेंटली गॉट स्टक इन द सेकेंड जो लीड की कैटेगरी में है, बट शी इज़ वर्किंग वर्किंग वुमन में उसको मिला था, अच्छा कैरेक्टर मिला था. नहीं, इसमें भी कैरेक्टर्स, शी नो शी मेक्स हर कैरेक्टर्स, यू नो वो बनाती है. मीनिंग अगर आप वर्किंग वुमेन देखें, आप इश्क मुर्शिद देखें, आप ये देखें, और अभी मैंने कहाँ उसको देखा था किसी में, वो आई थी सिर्फ हाँ इन इन देवदास में, शी जस्ट कम्स टू इंट्रोड्यूस दिस गाय, शी इज वेयरिंग अ सॉर्ट ऑफ अ पग. इसका मतलब आने वाली है. हाँ, आएगी फिर आगे. आई होप सो, आई होप सो. सो एवरीथिंग आई हैव सीन हर इन, आई थिंक स्टार्टिंग फ्रॉम हर बहुत पहले से, शी इज वेरी वेरी फाइन एक्टर, सो आई एम गोइंग टू गिव हर एन 8. मेरा दिल यही करता है कि भी सरा मेन लीड में होनी चाहिए, नॉट एज सेकंड और थर्ड लीड. लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि मेन लीड के पास तो कुछ करने को ही नहीं होता. ये भी है, वो अगर आ जाएगी तो हम तो कहेंगे सरा ये तुमने क्या रोल किया है. तो वो जो मेन लीड कर रही हैं वो सरा की पोटेंशियल नहीं है, उसका जो टैलेंट है ना वो कैरेक्टर्स वाला है. बट शी डज देम ब्यूटिफुली और हमारे मेन के पास तो कुछ ज़्यादा करने को होता नहीं है. बहुत अच्छी परफॉर्मेंस. मंकी बनाना चाहती है, बंदर बनाना, क्योंकि मैं ट्रांसलेशन भी पढ़ रही थी ना, साथ में आ रहे होते हैं सब टाइटल्स, इंग्लिश भी पढ़ रही होती हूँ, तो बंदर बनाना चाहती है इसको, दिल शेर को, रेशमा, मैं इसको बनने नहीं दूंगी. तो उसका उसका बड़ा क्लियर है मोटिव. शी इज सो क्लियर कि मैंने ये नहीं कि शादी सेटल हो जाऊंगी, ये नहीं, उसको बदला लेना है, सीधी सीधी बात है. तो उसकी वो गुस्सा फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है. प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त थी दिलबर वाले इसके सीन में, उसके आप फ्लर्ट करना, उफ कैसा ये कैरेक्टर एकदम पलटा है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी. वेरी नाइस, शी इज़ अ राइटिंग बढ़ाई जा रही है बिकॉज द क्लिप्स आर गोइंग वायरल बिकॉज ऑफ द परफॉर्मर्स ऑल्सो बट बिकॉज ऑफ द राइटिंग ऑल्सो. जैसे नादिया ने कहा कि राइटिंग इतनी ही रियल है कि आपको लग रहा है कि ये बिल्कुल ऐसे ही बोलती होगी. सो आई थिंक इट्स वन ऑफ दोज प्लेज जिसके सारे एक्टर्स पार एक्सलेंस परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं. एक ये तो मिशेल एब्सोल्युटली वन ऑफ द गुड परफॉर्मर्स है, बट एवरी वन एल्स ऑल्सो, जिसको भी आप देखेंगे आपको लगेगा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, राइट फ्रॉम सबा डाउन टू इवन द जो नर्सिस के कैरेक्टर्स कर रही हैं. द विजुअल इज़ वेरी कंपेलिंग और कहानी अब मुझे भी समझ आने लगी है. आई सॉ रिसेंटली एक दो एपिसोड्स एंड आई हैड टू से कि अच्छा कुछ ये उन प्लेज में से है जो आपको फौरन समझ नहीं आते. थोड़ा सा आगे चल के आपको लगता है अच्छा ये है बात. शुरू में हमें एकदम से लगा ना ये कैसा पागलखाना और ये क्या हो रहा, बट वेल डन फॉर गेटिंग दिस क्लिप. वेल डन. अब चलते हैं जी हम अपने रिव्यूज की तरफ और जिस ड्रामे का रिव्यू हम सबसे पहले करेंगे, एक दफा फिर अंजुम शहजाद आ जाए अखाड़े में, अखाड़े में हो जाए मुकाबला.
तो जी मरीना जी, कैसा लगा आपको अखाड़ा और उसकी 23rd 24th एपिसोड? सो फॉर मी टू सीन्स स्टूड आउट एंड बोथ ऑफ